एक और क्लासिफिकेशन है एसिड्स का, टाइप ऑफ एसिड, यह है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन देम, कि पानी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अगर पानी कम है तो वो कहलाएगा कंसनट्रेटेड एसिड, और अगर पानी का की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड, और कोई ऐसा एसिड जिसमें वाटर कंटेंट कम होगा वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड। तो हम कह सकते हैं जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल मतलब इन द सेंस वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्ट हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए तो। डाइल्यूट एसिड जो है एक बार को हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उतना नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, पहुंचाएगा तो ज़रूर, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा। वो फिर डिपेंड करता है उसके अंदर वाटर कितना है। कंसनट्रेटेड एसिड, दोज एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अगर एसिड लिक्विड स्टेट में है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट होना जरूरी है, और वाटर कितना है उससे पता चलेगा कि वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट। अगर मिनिमम पॉसिबल, कम से कम वाटर प्रेजेंट है तो क्या हो गया, वो कंसनट्रेटेड एसिड। और दोज एसिड विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट, जिनमें ज़्यादा वाटर है उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, क्या कहलाएंगे, वो डाइल्यूट एसिड कहलाएंगे, ठीक है। अब जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डाइल्यूटेड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना उन्हीं को हम डाइल्यूट करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। यार ये जोश जोश में ना लाइन ज़्यादा नीचे आ गई, बस यहीं तक है ये लाइन। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डाइल्यूटेड, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उन्हीं को डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब डाइल्यूशन कैसे होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, पता चला रखते हैं कि कुछ गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, वाटर में एसिड डाला जाता है, एसिड में वाटर नहीं डालोगे, ठीक है, दो अलग अलग बातें। जैसे बड़ी पुरानी कहावत है ना भाई, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, बात एक ही है, लेकिन यहाँ ये कहावत फेल हो जाती है। पानी में एसिड डाला जाए या एसिड में पानी डाला जाए, दो अलग अलग बातें। अगर पानी में हौले हौले एसिड डाला जाएगा विद स्टिरिंग, हमारे पास एक कंटेनर है उसके अंदर पानी भरा हुआ था बहुत सारा, हमने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वॉल्स के साथ इसे चिपका के हमने इसके अंदर एसिड डाला, कंटेनर की वॉल्स के साथ चिपका के एसिड डाला, और इसे हिलाते भी रहे एक रॉड से, ये ग्लास रॉड है, क्या है ये, ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड से इसे स्टिर करते रहे, ठीक है। तो एसिड इज एडेड टू वाटर विद स्टिरिंग, धीरे धीरे एसिड डालते रहो और उसे हिलाते रहो, तो ये डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हमने किया कि हमने एसिड के अंदर वाटर डाला, विद स्टिरिंग डालो चाहे कैसे भी डालो, मान लो हम स्टिरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें जब वाटर ऐड किया जाएगा तो यहाँ ना बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, और जो वो हीट प्रोड्यूस होगी ना उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे तो वाटर क्या होगा, राइज होगा, साथ में कुछ एसिड भी हो जाएगा वो भी ऊपर आ जाएगा, तो एक स्प्लैश हमारे मुंह पे गिर सकती है या हमारे हाथों पे आ सकती है, किसकी, वाटर वेपर्स की और एसिड की। सो इट इज़ नॉट एडवाइसेबल टू ऐड वाटर इन एसिड टू डाइल्यूट इट, ध्यान रखना, डाइल्यूट करने के लिए वाटर एसिड में कभी नहीं डालोगे, ये पर्पजली काटा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे डाइल्यूट एसिड, वाटर में एसिड डालेंगे हौले हौले, ठीक है, फिर मत बोलना करते हैं कि हौले हौले नहीं बताया, हौले हौले डाल, या धीमे धीमे भी चल सकता है अब तो, ठीक है, हौले हौले या धीमे धीमे, और कैसे, विद स्टिरिंग, स्टिरिंग जरूरी है, ठीक है।